का एक मंत्र जो है, इस मंत्रों का हो सके तो दराज मैं आपको देता हूँ जो साधना करें। आपके जीवन में कभी भी साधना, केवल तीन तीन बार इन मंत्रों को मैं जैसा किया है वैसा करते हुए बोलना चाहिए आपको। हर प्रकार की साधना, कोई भी साधना करो आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक विधान। इसके बाद मैंने जैसे कहा कि आपको अपने आने वाले गुरु पूर्णिमा तक जो तीन साधनाएं यहाँ देना चाहता था, वो तीन साधनाएं में ये पहली साधना है सिद्धाश्रम दर्शन प्रयोग। सिद्धाश्रम के योगी मुनि अपनी को सहायता करें, इसके लिए मैं केवल मंत्र बोलता हूँ, मेरे से मंत्र ले लो और इसकी साधना सामग्री और इसका विधान गतवे एक पास दिन ये गुरु पूर्णिमा तक आप कंप्लीट करो तो आपको गुरु पूर्णिमा में आने के बाद इसका जो विधान, इसकी दीक्षा शक्तिपात देते हुए आपको कराऊंगा। मंत्र आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र बोलो और इस साधना को आप निश्चित रूप से ले लेना। जब हम अगली बार यहाँ आएंगे या गुरु पूर्णिमा को आप आएंगे, गुरु पूर्णिमा जब यहाँ आएंगे तो ऐसा मैं असफल आपको देखना नहीं चाहता, आपको सिद्ध देखना चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं वो होना ही चाहिए, आपको महाविद्य सिद्ध होनी ही चाहिए। मंत्र है, मैं बोलता हूँ, मेरे साथ ओम पूर्णत्व दर्शय दर्शय पूर्ण पूर्ण गुरुवै गुरुवै नमः नमः। ओम ओम पूर्णत्व पूर्णत्व दर्शय दर्शय पूर्ण पूर्ण गुरुवै गुरुवै नमः नमः। ओम ओम पूर्णत्व पूर्णत्व दर्शय दर्शय पूर्ण पूर्ण गुरुवै गुरुवै नमः नमः। ये वह साधना है जो 8 दिन के गुरुवार से गुरुवार तक करनी है और इसको 51 माला करने से आपको उस सिद्धाश्रम के योगियों की कृपा प्राप्त होकर वो आपको मार्गदर्शन करने वाले सिद्धाश्रम तक, सिद्धाश्रम के योगी जैसे स्वामी कृष्णानंद जी या कोई भी योगी है वहां तक ले जाने की क्रिया करते हैं ये साधना जो करते हैं उनको। दूसरी साधना है गुरु रहस्य सिद्धि साधना, जिससे हम गुरु जी के तत्व को जानकर गुरु जी के हम जो भी क्रिया करते हैं वो गुरु जी के इच्छा के अनुसार ही करते हैं, हमारे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी जो गुरु जी के विरुद्ध हो। इस मंत्र की साधना को जो करता है गुरु जी की प्रीति कर साधना का है, तुम्हारे यहाँ से जो भी काम हो वो गुरु जी को प्रिय होता है ऐसी साधना। हम गलती से भी कोई गलती कर दे लेकिन गुरु जी कहते नहीं नहीं ये मेरा बच्चा है ये कोई गलती बात नहीं, ऐसा करके गुरु जी आपको अपना ले ऐसी साधना। इस साधना को मैंने लाया था, इसे गुरु रहस्य सिद्धि साधना कहा गया है। यानी हमारी गलतियों को भी जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करते हैं अपने पास लेते हैं, वैसे अपनी गलतियों को गुरु भी क्षमा करते हुए कहता है इसलिए गलत गलतियों के ना मैं देख लेता हूँ, ऐसे कहने वाली साधना ये साधना है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ये दृढ़ संकल्प होकर गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में करने वाली साधना है और इसको गुरु तत्व रहस्य सिद्धि माला से जप करना है, इसको भी 51 माला मंत्र जप करना है सिर्फ गुरुवार के दिन। और इसका मंत्र है, मैं बोलता हूँ सुनो, ओम ओम आयं आयं ह्रीं ह्रीं गुरुत्वै गुरुत्वै नमः नमः। ओम ओम आयं आयं ह्रीं ह्रीं गुरुत्वै गुरुत्वै नमः नमः। ओम ओम आयं आयं ह्रीं ह्रीं गुरुत्वै गुरुत्वै नमः नमः। गलती से अगर आप सभी लोग श्रेष्ठ हैं, आप जानते हैं अपने आप को, गुरु जी हमारे को नींद से खाने पीने से कुछ लेना देना नहीं है तो हम इस भूमि में आए हुए हैं। यह साधना आप निश्चित रूप से कल गुरुवार है सुबह, कल सुबह 3 से 5 के मध्य में अगर 51 माला गुरु साधना कर लेते हैं तो आपके उतने भाग्यवान कोई नहीं है। ये साधना गुरु रहस्य सिद्धि साधना कर लेते हैं, इस साधना गुरु जन्मदिनोत्सव की साधना के रूप में मैंने यहाँ किया। और तीसरी साधना है गुरु प्राप्ति साधना। हम हमारे जीवन में गुरु जी का दर्शन जरूर लें, कभी ना कभी लें, ऐसी साधना है। और इस साधना को पटी के अग्रह हमारे से करना है। जो गुरु जी शिव रूप है, शिव के रूप में अपने को दर्शन दें ऐसी साधना, उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम शिव रूपाय शिव रूपाय महत् महत् गुरुदेवाय गुरुदेवाय नमः नमः। ओम ओम शिव रूपाय शिव रूपाय महत् महत् गुरुदेवाय गुरुदेवाय नमः नमः। ओम ओम शिव रूपाय शिव रूपाय महत् गुरुदेवाय गुरुदेवाय नमः नमः। ये मंत्र भी कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, इसमें स्वयं गुरु को शिव के रूप में देखकर साधना करनी होती है। तो इसमें सिद्धाश्रम की योगी ने कल जो श्लोक बताया था ये कहते हुए ये कहते कि नमामि महादेवम देवदेवम भजामि भक्तदेयम भास्करम तम ध्यायामि भूतेश्वरम पादपंकजम जपामि शिष्य द्वारनामरूपम। आप शिष्य के रूप में शिष्य के द्वार पर खड़े होकर आप इस मंत्र को करने के बाद शिष्य के द्वार पर खड़े होकर उसको आशीर्वाद देने आते हैं, ऐसा सिद्धाश्रम में कहा जाता है। हे शिवरूप मेरे गुरु आप कहीं भी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर गांव में शिवजी का मंदिर या लिंग है और उसमें जो भी तत्व है वो गुरु रूप में आपके अपने घर के
सुपर के अगर के सामने आकर खड़ा होता है जो ये साधना करते हैं, इसे गुरु प्राप्ति साधना कहा गया है और इसको ऐसा ही कहा गया है, ओम त्वां हुं वंदे वंदे वही गुरु रत्नम हरी सह प्रेम प्रेम हर्षित। तुम जब भी इस साधना को करने वाला होता है, गुरु उसकी गलतियों को माफ करते हुए अपने बेटे को जिस तरह देता है, उस तरह शिष्य को अपने पास लेता है जो इस साधना को संपन्न करता है, ऐसा कहा गया है। ऐसी ये तीन साधनाएं मैं यहाँ आपको देने के लिए लाया था, लेकिन आपने देखा है कि आपको आपके भूख, आपकी निद्रा, आपके आलस्य, आपकी थकावट देखकर मैंने साधनाएं नहीं केवल हवन और ही करवाया था। ये तीन साधनाएं भी अगर आप गुरु पूर्णिमा तक पूर्ण करते हैं, और जब कभी भी अगला, अभी हाँ दत्तु भैया कह रहे थे कि भाई यहाँ के योगी, यहाँ के लोग सब कह रहे हैं कि जब गुरुजी इन लोगों को लेकर यहाँ तक आ गए तो और एक 200 किलोमीटर कांचनजंगा के पर्वत के पास जहाँ शिवजी का ओंकार पर्वत है वहाँ लेकर आ जाओ, मैं बोला अभी स्वेटर लेकिन खुले बदन से भी यहाँ ठंडी रहने पर भी साधना करेंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ भी आप ऐसी ही साधना कर सकेंगे, आप आ जाओ तो सही। तो अगर हो सके तो गुरु पूर्णिमा के बाद वहाँ भी हम जाएंगे। इन तीनों साधनाओं की सामग्री और लेते हैं, एक साधना आप इसमें करने की कल सुबह करने वाली साधना है जिसमें गुरुवार भी है, अब सुबह 3 से 5 बजे तक 51 महाराज की साधना करते हैं, तो कल दीक्षा लेकर भेजता हूँ उसको, उसी साधना को ओम ऐं ह्रीं गुरुत्वाय नमः है, अब छोटा मंत्र भी है 51 महाराज बना ही है, और अयंकार ह्रींकार श्रींकार गुणात् महाविद्या ओंकार मर्म प्रपाल विद्या नमो नमः श्री गुरुपाल का अर्जुन है, अपनी गुरुपालिकाओं के ऊपर साक्षी मानकर इस साधना को जो कल गुरुवार प्रातः पूरी दिन देश के पक्ष में यहाँ जो साधना संपन्न करता है 3 से 5 दिन आपके रूम में बैठकर ही करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप हो सके स्नान करके हाथ पांव धो लेकर 3 से 5 बजे के उसमें साधना करके आपको जो जाने वाले हैं कल सब लोग अपने कार में बस में चुना ये साधना संपन्न कर सकते हैं। ऐसी तीन साधनाओं को मैं यहाँ दिया हूँ, इन तीन साधनाओं को यहाँ से ले लेना, और दत्तू भैया से आप एक बार उन सर्वसिद्धि मतलब जो सिद्धाश्रम के विधि है इसका जेराक्स आप जरूर ले लेना, आपको साधना करने से पहले केवल 3-3 बार उच्चारण करना है, ये साधना का कागज मैं दत्तू भैया को देता हूँ, आपको इसका जेराक्स देकर दिलवाने लगाता हूँ। इस प्रकार आपको इन तीन साधनाओं को भी दत्तू भैया के पास दे रहा हूँ, इसकी सामग्री और इसका ये ले लो, और गुरु पूर्णिमा तक इन साधनाओं को संपन्न करेंगे ऐसी आशा रखता हूँ। और आपके जीवन में गुरु जी ने जब मुझे यहाँ रखा है कि आपको रहकर मार्गदर्शन करने के लिए कहा है, कर रहा हूँ, गलती मेरी भी हो सकती है फिर भी कभी कभी, तो मैं गुरु से भी यही प्रार्थना करता हूँ मेरे यहाँ से गलती मत होने दो और सभी को सही मार्ग पर ले चलने की क्षमता और सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु, ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। आपको इन तीन साधनाओं को दे रहा हूँ जो आने वाले गुरु पूर्णिमा तक संपन्न करे, गुरु पूर्णिमा जब आएंगे तब शक्ति पाठ की दीक्षा मुझसे जरूर ले लेना। अभी आज गुरु जन्म दिवस है और हम श्रेष्ठता के साथ गुरु जी का आह्वान करते हुए हम केक कट करेंगे, गुरु जी को पंचोपचार मनपूर्वक पूजा करेंगे और उसके बाद नारायण ध्वनि का 1 मिनट के लिए भजन करेंगे, और केक कट करने के बाद जो आज रात में जाने वाले हैं वो जाएं, मैं गुरु पूर्णिमा शिविर में जरूर आपको मिलूंगा और आपको योजना कल जो कल सुबह 5 बजे जा रहे हैं वो लोग भी अपने अपने पूर्ण विदाई तो मैं भी नहीं चाहता कि हम ऐसी जगह आए हैं तो हम आप मुझे छोड़कर मैं आपको छोड़कर जाऊं, ये मेरी भी इच्छा नहीं करती कि मैं कितनी देर भी आपके साथ बातें करता रहूँ, आपके साथ साधनाएँ करता रहूँ, आपको आपके जीवन में प्रसन्नता, आपको मुस्कुराते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आप रोते हैं तो मुझे मेरे दिल को ये ठेस लगती है, मैं इतना करने के बाद मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सका, ये मेरे को बहुत दुख होता है, फिर भी मैं आज गुरु जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु जी सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, आप जो उतनी दूर से यहाँ आए हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपका आप जिस कारण जिसके लिए अपने शरीर को समर्पित करते हैं गुरु चरण में वो समर्पण श्रेष्ठ हो और गुरु कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसा ही चिंतन करते हुए गुरु जी के चरण में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अभी बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय।